हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं झांसी से एक बड़ी खबर की ओर। झांसी में एटीएम के अंदर लोगों की मदद करने के बहाने घुसकर उनके साथ ठगी करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया। पुलिस की सजगता के चलते आज उन लोगों को पकड़ा गया जिनके पास से एक कार के साथ कई सारी धनराशि और 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। एटीएम के अंदर लोगों की मदद के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह काफी समय से सक्रिय था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नवाबाद थाना प्रभारी को इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर साइबर सेल को विवेचना सौंपी गई। सहायक पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में साइबर सेल ने इस मामले के अनावरण में लगा हुआ है। साइबर सेल द्वारा जनपद के तमाम एटीएम के फुटेज जांचे गए, जिस पर यह प्रकाश में आया कि गैंग के 3 अपराधी एक टाटा जेस्ट कार से कई एटीएम के बाहर घूमते नजर आते हैं। कल नवाबाद थाना प्रभारी को सूचना मिली कि अपराधी एक और घटना को अंजाम देने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके बस स्टैंड के पास से मऊरानीपुर तिराहे पर गाड़ी को रोका। पुलिस देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम क्रमशः सचिन सासी, मोंटी सासी और अर्जुन सासी है। अभियुक्तों के पास से 3 देसी तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 43,580 रुपये व 3 मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 टाटा जेस्ट कार बरामद हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में साइबर क्राइम ब्रांच प्रभारी शिव शंकर सिंह, नवाबाद थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह, सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार जाट, उप निरीक्षक राहुल सिंह, आरसी नरेश कुमार, आरसी भानु प्रताप, आरसी सचिन तिवारी एवं नवाबाद व सदर थाना पुलिस की टीम सम्मिलित रही। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। है और कितना बड़ा गैंग है, वारदातें उन्होंने कहां कहां कर दी? देखिए, यहां पे थाना सदर के द्वारा 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मैं गाड़ी उनके पास से काफ़ी एटीएम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। 2 मुकदमे नवाबाद थाने के लिखे हुए हैं, जिसमें एटीएम बदल के पैसे निकाल के फ्रॉड किया गया है। उसी क्रम में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब इनको ट्रैक करते हुए मुठभेड़ करके इनको पकड़ा है। मोडस ऑपरेंडी इनका ये है कि ये दूर दूर तक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, कमरा लेके रुकते हैं और एटीएम बार ये जाते हैं। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग है, पेंशनर टाइप के लोग है, बीमार लोग है, अनपढ़ लोग है, इनको टारगेट करते हैं। जो एटीएम को ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, उनको एटीएम ऑपरेट करने की मदद से एटीएम कार्ड उनसे स्वैप कर लेते हैं, उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इन्होंने उत्तर भारत की लगभग सभी राज्यों में इन्होंने क्राइम कर चुके हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जगह इन्होंने अपने क्राइम कर चुके हैं। उत्तराखंड और यूपी से इनके पहले के मुकदमे भी है, गैंगस्टर्स भी है। मूल रूप से 3 मुलजिम एक उत्तराखंड के और एक सहारनपुर के, एक मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बेसिकली यही काम करते हैं, एटीएम बदलवाते हैं, अपने दूसरे एटीएम देके उस वादी के एटीएम से यानी विक्टिम के एटीएम से पैसे निकाल के फिर उसी एटीएम को किसी और से बदलवा के ऐसे एक ट्रेल करते हैं। अभी फिलहाल इनके खाते में लगभग 2.5 लाख के हिसाब से कैश है, जो कि हम लोगों ने बैंक से बात करके ब्लॉक कर दिया है। मौके से इनसे लगभग 43,000 कैश बरामद हुआ, 14 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं और हमारे जो 2 ऑफेंसेस नवाबाद में हमारे समय में जो मुकदमा लिखा गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इनको ट्रैक किया गया। अब तक कितनी घटनाएं इन्होंने करी होंगी और क्या ये बहुत बड़ा गैंग है पूरे भारत का? ये इनके गैंगों में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बदल बदल के ये क्राइम करते हैं। कभी 2-3 इकट्ठे हो गए, कभी 2-3 इकट्ठे हो गए, एक ही समय पर अलग अलग राज्यों में जाके गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं और क्राइम करते हैं। इनके घटना की कोई गिनती नहीं है। मेन बात यह है कि काफ़ी जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो थाने तक पहुंच ही नहीं पाता, अपने एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर पाता। 1,000 से ऊपर ये घटना कर चुके हैं मगर मुकदमा इनकी मिल नहीं पा रही है, इस वजह से इनके फ़ायदा लीगली मिल जा रही है। हम सभी वादी, चाहे दूसरे राज्य के हो, चाहे दूसरे जनपद के हो, सभी से बात करके इनके मुकदमा लिखवा के इन्हें उस मुकदमे में अकाउंट फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।